हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे इग्नू एकेडमी में। तो आज हम लोग थोड़ा सा वीडियो ऑडियो विजुअल लेक्चर नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम लोग को थोड़ा सा BEGC 131 का जो क्वेश्चन आंसर्स को देखने, क्योंकि अभी जो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका, अभी दिसंबर में शुरू होने वाला है, तो उसके लिए कुछ आपको मैं टिप्स देना चाहता हूँ और क्वेश्चन कैसा होता है BEGC का, उसके बारे में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। इंडिविजुअल एंड सोसाइटी जो BEGC 131 कोर्स है बैक का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपका प्यार हमारे ऊपर बना रहेगा, है ना। और लाइक कर दीजिएगा वीडियो पसंद आए तो, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके दोस्त भी बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो पे, आज के टॉपिक पे, जो कि BA जनरल का जो कोर्स है BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, उसका कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन के जरिए हम देखेंगे। तो ये टर्म एंड है, एग्जाम था दिसंबर 2020, वहां से मैंने ये क्वेश्चन पिक आउट किया है। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और बेसिकली देखिए BEGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी ना पूरी टोटली प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप मुश्किल में पढ़ सकते एग्जाम में। खैर, आप जानते ही हैं एग्जाम बहुत ही इजी होगा, ठीक है, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। तो चलते हैं ना। तो देखिए, हम अभी डिस्कस अभी हम लोग करेंगे, ये हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, ये आपका है कि देखिए कि जैसे जस्ट मिनट, एक मिनट टाइम दीजिएगा मुझे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ ले लेता हूँ। हाँ, चलिए, अभी जो आपका जो देख रहे हैं ये टर्म एंड एग्जाम है 2020 का इंडिविजुअल सोसाइटी है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 मार्क का होने वाला है, ठीक है। टाइम आपका अलॉटेड रहेगा 3 आवर्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर होगा। और देखिए, यहाँ पे नोट जरूर देखना है आपको, आंसर ऑल दी क्वेश्चन इन दिन क्वेश्चन पेपर, मतलब यहाँ पे कोई ऑप्शनल आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है, कि जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं उसमें सारा करने वाला है। पर उस आइटम नंबर के अंदर में आपको ऑप्शन जरूर मिलेंगे, और वाले क्वेश्चन मिलेगा या फिर NE2 वाले मिलेंगे, तो गुटरने वाली कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पे, देखिए एक पैसेज दिया गया, पहला आपको हर इस चीज का पहले आपको सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पैसेज। तो ये आपका यहाँ पे पैसेज दिया गया, रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो ये पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है और वर्ड्स को आपके दिमाग में रखना कि कहाँ पे आपने देखा, जैसे इनएक्सेसिबल, जैसे हार्ड जो टफ वर्ड्स हैं उनके आप सेंटेंस को पढ़िएगा तो आपका पता चल जाएगा कि मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, इनएक्सेसिबल मतलब हम जिसको एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब पहुंच नहीं सकते जिस तक, ठीक है। ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड ये सब वर्ड्स रहेंगे मैं एक सेंटेंस बनाने के लिए, ठीक है। चलते देखेंगे आप आगे चलते हुए, है ना। तो हाँ, तो जैसे कि देखिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया पूरा, देख लीजिए ये पूरा अच्छे से आपको बहुत धीरे धीरे पढ़ना है। टाइम ले लीजिए 10 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप स्किप मत करिए कोई भी लाइन को, ठीक है। और थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा, आइडिया मिल जाएगा, फिर आप क्वेश्चंस पे जाइए। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, दो दो नंबर के क्वेश्चंस आएंगे आपको, दो दो नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। ये देखिए दो नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे मार्कआउट किए, ज़्यादा नहीं आपको 100 से 200 वर्ड्स में लिख देना है तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, 1 से लेकर 1.5 तक आपको मिल जाएगा। 100-200 वर्ड्स लिखने हैं आपको, ठीक है। जैसे वर्ड्स क्या होता है, जैसे बीन, फेस्ट, ये हो गया एक, ये दो वर्ड, ये तीन वर्ड, ये चार वर्ड, तो ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है, हाउ हैज क्लाइमेट चेंज ऑल्टर्ड द टेम्परेचर इन हिमालयन रीजन, क्लाइमेट चेंज ने हिमालयन रीजन में क्या इफेक्ट डाला है, पोल्यूशन की वजह से क्या क्या उसमें खराबी आ रही है, सब बताना है। यहाँ पे चेंजेस इन टेम्परेचर अफेक्टेड हिमालयन मीन मेनी वेज, कितने वेज में टेम्परेचर ने अफेक्ट किया है हिमालयन रीजन को, कोई भी दो चीज लिखनी है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे दो दो तीन तीन नंबर के। हाँ, तीन नंबर का यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो तीन नंबर का क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, इसमें आप 150 से 250 वर्ड के अंदर लिखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। दो दो वर्ड्स के हैं, देख लीजिएगा, 2, 2, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 नंबर का यहाँ पे आपको, 15 में से आराम से अगर आप लिख सकते हैं, 15 में से आपको आराम से 10 तो मिल ही जाएंगे, 8 या 10 मिल ही जाएंगे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया तब स्टार्टिंग में, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में देखिए कि यहाँ पे आपको जैसे वर्ड्स, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंस ऑफ योर ओन, आपको सेंटेंस बनाने हैं अपने आप से, ठीक है।
इनएक्सेसिबल मतलब, या फिर आप वहां से भी अगर आपके पैराग्राफ में मिलता है तो अगर आपको टेंशन हो रही है नहीं बना पा रहे हो तो ये पैराग्राफ से आप इस वर्ड्स के साथ जो भी सेंटेंस है अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है, वहां से देख के। तो ये वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। पांच नंबर का क्वेश्चन रहेगा, पांच नंबर में आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। ये कॉलम ए और कॉलम बी के साथ में आपको मैच करके मीनिंग बताना है। लस्टरस मतलब क्या होता है, कॉन्जर्वेटिव मतलब क्या होता है, ठीक है, यूलोजीज मतलब क्या होता है, प्लोरीफरेट मतलब क्या होता है, लेजेंडरी मतलब क्या होता है, इनसरमाउंटेबल मतलब क्या होता है। जो जो आपको मिलता है ना, ऐसा नहीं कि ये नहीं मिल रहा नहीं करना, जैसे मतलब इसको आपने मिल गया, ये आपने कर दिया, ये मिल गया ये कर लिया, ये आपको पता चल गया ये कर लिया, बाकी दो बचे हुए हैं तो आप करते जरूर रहना है। और डिक्शनरी आपको थोड़ा फॉलो करना है जब भी आप करते हैं। BEGC 131 का पास करने का एक ही पास के अच्छे नंबर लाने के 70 अबव लाने के एक ही सोर्सेस है, क्या है, आपके फुल ऑन प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, फुल ऑन प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आपको जरूर करते रहना है तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो जो पहले मिलता है उसको मैच कर लीजिए, जो नहीं मिलता है लास्ट में बच ही जाएगा, मैच कर सकते हैं आराम से, ठीक है। यहाँ पे देखिए अच्छे मार्क्स आपको आ जाएंगे, 10 नंबर के हैं तो जरूर करना जरूर है, बहुत ही ईजी है। हाँ, अब ये देखिए कुछ यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे बहुत ही ईजी है, 10 नंबर इसमें आराम से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रामर है इसमें बेसिकली, ज़्यादातर ग्रामर और राइटिंग स्किल, ग्रामर अगर आप अच्छे से करते हैं तो ग्रामर में आपके नंबर को कोई काट नहीं सकता। अगर एक नंबर का आपने सही किया तो एक ही मिलेगा, यहाँ पे कोई हाफ या उससे कम नंबर आपको नहीं दे सकते हैं, जो नंबर आपका है वही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप ऊपर में, यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ दे गए, डज हैव इज आर नीड पर्टिकुलर एम डू लूज लॉस। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो आपने देखा है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे फिरिंदा ब्लैंक्स है, इन ऑप्शन से आपको यहाँ भरना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि देखिए मैं तो आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा आंसर आपको, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा, पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले वो तो आपको वहीं पे देखने को मिलेगा। तो इसका एक ही तोड़ है कि आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है, ये क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे ये, ठीक है। जैसे कि मैं देखो, इफ यू आर नॉट केयरफुल यू में लूज योर मनी, ठीक है। यू में ये लूज मतलब ढीला, ये लूज यू में लॉस बोलते हैं, ठीक है ना। लूज मतलब ढीला, ये लूज मतलब, तो लॉस यू में lose your money, ठीक है। यू में लूज योर मनी हो जाएगा, यहाँ पे लॉस्ट नहीं होगा क्योंकि आपको यहीं से चूज करके भरना है, ठीक है ना। चलो एक तो हो गया, ठीक है। ऐसे I-IM पक्का, आई एम गोइंग टू सिनेमा टूडे, तो ठीक है ये पता चल रहा है, आई एम गोइंग टू सिनेमा टूडे, ठीक है। तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, ठीक है। ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के आपको ऊपर से मैच करना है, आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मेरा जो व्हाट्सएप जो लिंक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे इग्नो चैनल है, वहाँ पे इग्नो अकेडमी बोल के आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। मैं वहाँ पर क्वेश्चन भी दे दूंगा, आपको आंसर भी बता दूंगा और प्रैक्टिस भी करा दूंगा आसानी से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। 10 नंबर यहाँ पे आराम से आपको मिल सकते हैं। देखिए जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट्स, आवर कंट्री Be rich in trees and wildlife। यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड आपको देना है, आवर कंट्री बींग रिच इन ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। यहाँ पे आई बाय तो नहीं होता है क्योंकि लास्ट मंथ लिया था, तो आई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आई बॉट चेंज कर देना है, ठीक है। टेंस लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज आप देखेंगे, यहाँ पे और एक है, डू यू सी टूडेज न्यूज पेपर, डिड यू सी टूडेज न्यूज पेपर। ऐसे आपको कुछ सोच के थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने आप को, आई थॉरली एंजॉय माई, एंजॉय तो नहीं, लास्ट वीक गए थे तो पास्ट टेंस हो जाएगा तो ईडी लग जाएगा यहाँ पे, आई थॉरली एंजॉयड, ठीक है। तो ऐसे आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, ये टोटली प्रैक्टिस पे डिपेंड है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये सब आपने प्रैक्टिस करना है। फिर आते हैं प्रीपोजिशन और आर्टिकल से भरना होगा आपको फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक ज्यादा है ग्रामेटिकल, तो आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन ले लीजिए, अगर नहीं लीजिए तो मुझे नॉक कीजिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा और प्रैक्टिस सेट के लिए भी बता दूंगा कहाँ से क्या करना है। तो इसी आसानी से आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और बेसिक ग्रामर सेंस आपको जरूर होने चाहिए, बेसिक ग्रामर आपको सेंस होना चाहिए BEGC 131 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बेसिक ग्रामर सेंस आपको होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल से भरने हैं, यहाँ पे बता दिया, देखिए ब्रैकेट में आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है। यहाँ पे जैसे इस जगह पे
आर्टिकल से आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। क्या होगा आप भरिएगा, देख लीजिए, आप भर के मुझे बताइएगा आंसर क्या होगा इसका, ठीक है। ये भी आर्टिकल से भरने हैं, तीन नंबर भी आर्टिकल से भरने हैं, चार नंबर को प्रपोजिशन भरने, प्रपोजिशन मतलब इन एट ऑन, ठीक है, ये सब चीजें, ठीक है ना, ये कर लीजिएगा। ये भी प्रिपरेशन, ये भी प्रपोजिशन, ये भी प्रपोजिशन है, ठीक है। अब आता है डायलॉग लिखना। डायलॉग लिखना, आपको 200 वर्ड्स का एक डायलॉग लिखना है आपके और आपके नाइबर के बीच में, पड़ोसी के बीच में आपको लिखने हैं एक डायलॉग। और ग्रीन कवर, जो आपके आसपास में पेड़ पौधे लगाने का एक उनके साथ विचारधारा करनी है, जैसे आप अपना पड़ोसी का नाम लिख दीजिएगा कुछ, सोहन अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे समझ लो आर्या, ठीक है। तो अगर आप सोहन पूछ रहे हैं, ऐसे बना लो आप कि सोहन पूछ रहा है आपसे हाय आर्यन हाउ आर यू, तो आप बोलोगे यस आई एम वेरी फाइन, फिर आप बोलोगे आर्यन कि नो आवर लोकेलिटी नाउडेज इज नॉट लुकिंग ग्रीन एज बिफोर, फिर सोहन को फिर बुलवाओगे ऐसे डॉट देके, ठीक है, बुलवाओगे मतलब वो मतलब लिखोगे यहाँ से ऐसे, जैसे सोहन लिख दिया यहाँ पे ऐसे दो डॉट लाके, फिर सोहन क्या बोल रहा है वो लिखोगे, फिर आर्या क्या बोल रहा है वो लिखोगे, ऐसे करके कंप्लीट करके दिखाना है। ये आप प्रैक्टिस करके मुझे बताओ और इसका आंसर आप करके मुझे दिखाओ, ठीक है, 200 वर्ड्स के अंदर में मैं आपका ये आंसर रिव्यू कर दूंगा। उसके बाद आया है यू एंड योर फैमिली आर प्लानिंग टू विजिट अ हिल स्टेशन, आप जाना चाहते हो हॉलीडेज में, आप अपने एक होटल के मैनेजर को लेटर लिखिए, आपके फैमिली के एकोमोडेशन के लिए बोलिए कितना आप रूम चाहिए, कितना क्या चाहिए। आप लेटर का फॉर्मेट आप जानते ही पढ़े होंगे बचपन में, ठीक है, अगर नहीं जानते तो मुझे नॉक करिए, बता दूंगा। टू समझ लो द मैनेजर, होटल का नाम यहाँ पे लिखो, ऑर्चिड इंटरनेशनल कहाँ पे है, प्लेस का नाम लिखो नीचे में, उसके जस्ट बिलो, उसके जस्ट बिलो जहाँ पे आपने टू लिखा था यहाँ पे डेट दे दो, या फिर डायरेक्टली आप लिख सकते हो 7th July 2023। उसके बाद सर आई एम फ्रॉम, आई माई नेम इज, पहले अपना नाम दो, माई नेम इज आर्यन, समझ लो आर्यन ही है, माई नेम इज आर्यन, आई एम लिविंग इन दिस पार्ट एंड आई वॉन्ट टू गो टू विजिट मसूरी एंड आई वॉन्ट टू स्टे इन योर होटल, ठीक है। उसके बाद लिखना है कि इन योर होटल आई वॉन्ट सम स्पेशल फीचर्स लाइक गीजर्स वगैरह, जो जब आप, क्योंकि आपके पेरेंट्स ओल्ड एज हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद खाना पीने में आपको क्या चाहिए, रूम कैसा चाहिए, सब कुछ आप मैंशन करके लिखिए। डेट बता दीजिए कब जाना है, कब से कब रुकना है, पूरा लिख के लास्ट में योर्स फेथफुली करके इस साइड में लिखना है, ठीक है। अगर ये आपका पेपर है, ये आपका पेपर है तो आपको इस साइड में लिख देना है, एंडिंग करना है, या फिर इस साइड में भी आप लिख सकते हैं, इस साइड में आजकल नहीं चलता, एप्लीकेशन में चलते हैं, यहाँ पे मत ही लिखिए, लिखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे आप लिखिए इस साइड में योर्स फेथफुली, आपका नाम एड्रेस वगैरह लिख दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, करके दिखाइएगा मुझे जरूर। ओके, नाउ इफ यू हैव बीन इनवाइटेड टू डिलीवर अ स्पीच टू योर ग्रुप इन योर लोकेलिटी राइट अ स्पीच, आप स्पीच लिखना। स्पीच में क्या होगा, स्टार्टिंग आपकी अलग से होगी, स्पीच में पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है ऐसे गुड मॉर्निंग, ऐसे लिखना गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द पर्सन प्रेजेंट आउट हेयर एंड ऑल द स्पेशल डिग्निटरीज, अगर जो बड़ा है उसको लिखिए, चीफ गेस्ट और चीफ गेस्ट लिखिए फर्स्ट में, उसको सैल्यूटेशन दीजिए टू द चीफ गेस्ट, ऐसे करके, है ना, फिर लिखिए कि इन आवर लोकेलिटी, फिर आपका जो भी कहना है आपके लोकेलिटी के बारे में वो आप लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, लिख के 250 वर्ड्स में खत्म करना है, ठीक है। हिस्टोरी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग, देखिए हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स आपके एरिया में जो भी है उसको प्रिजर्व करने के लिए, क्यों उसको प्रिजर्व करना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे समाज में, वो लिख देना है, वो लिख के मुझे आप प्रैक्टिस करके दिखाइए। ये भी देखिए एसे इन अबाउट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, 15 नंबर का है तो मिनिमम जो भी 15 नंबर के हैं आप उसको 500 से लेके 700 वर्ड्स तक में लिखने की कोशिश कीजिए, अच्छा नंबर आएगा। अगर आप 700 से ऊपर जाते हैं और भी अच्छा है, जितना आप लिखेंगे पेज भरेंगे उतना आपको मार्क्स मिलने की संभावना होगी, पर कंटेंट आपका बहुत अच्छा। हाँ, तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम थोड़ा रुक गए थे, ठीक है। तो हम आते देखिए 15 नंबर के जितने भी आंसर्स हैं, जैसे आपको यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे लिखने को बोला है, यहाँ पे आपको एक ऐसे लिखना है कोई भी एक टॉपिक पे, ठीक है। तो केयरिंग फॉर एल्डरली इन इंडिया, एजेड लोगों को क्यों केयर करना चाहिए, पॉल्यूशन इन इंडियन सिटीज, सीरियस हेल्थ हैजर्ड, पॉल्यूशन कैसे एक हेल्थ के लिए हानिकारक है वो पूरा लिखना है, कितना टाइप का पॉल्यूशन, तो अच्छे से लिखना है आपको 250 वर्ड्स के अंदर लिख लीजिए। ओ अच्छा, बता रखा है यहाँ पे 250 वर्ड्स, तो 750 वर्ड्स अगर कहीं पे मेंशन नहीं है आपका, जैसे 10 नंबर या फिर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके मेंशन नहीं है कितने वर्ड्स लिखने हैं, तो आप वहां पे 500 तक लिख सकते हैं, 300 से 500 वर्ड तक, 500 अगर 700 वर्ड लिखेंगे तो अच्छा होगा, अगर टाइम बचता है तो लिखिए, क्योंकि इग्नो ये देखता है कि आप कितना कंटेंट दे रहे हैं, ठीक है, इग्नो के पेज पे, और सॉरी इग्नो मतलब राइटिंग के पेज पे, इग्नो के पेज पे नहीं, राइटिंग के पेज पे, तो वो थोड़ा सा मैटर करता है,
और अगर कोई वर्ड मेंशन है जैसे 2050 वर्ड्स, तो आप 2050 वर्ड्स की लिमिट रखिए, इसी के अंदर में लिमिट रखिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। और जैसे मैं बता रहा था कि कोई भी एक टॉपिक पे आपको लिखने को मिलेगा, ये जगह पे आपको कुछ एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं, ये नहीं कि ऐसे ही आए, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी दे सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में लिखना है थोड़ा सा ड्राइंग बना दीजिएगा, दिवाली के पिक्चर लगा दीजिएगा, दिवाली के बारे में लिखने आता है तो पटाखे बोल दीजिएगा, ऑफर ऑफर ऐसे करके कुछ भी होता है मैं दिखाऊंगा आपको। अगर आपको चाहिए तो मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं जरूर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और सेकेंड बस इतना ही है आपके लिए, बाकी चीज़ और मैं बता दूं कि अगर आप लिखते हैं तो थोड़ा सा कंटेंट अच्छा रखिए, राइटिंग स्टाइल सही रखिए ताकि जो एग्जामिनर होते हैं उनको देखने में आसानी हो, नीट एंड क्लियर राइटिंग होगी और थोड़ा सा पेज भरा होगा तो नंबर आपको पक्का, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ 70 अबव नंबर आपका कोई नहीं ले सकता, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। होप ये वीडियो आपको पसंद आए और हेल्पफुल रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई कुछ जानना है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो मेरे साथ कनेक्ट कीजिए, मेरे जो व्हाट्सएप जो लिंक है, पेज है इग्नो अकेडमी बोल के, उसमें ज्वाइन हो जाइए आपका और आसानी से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन।